Guess what I have in my hand today? iConnect by Timex. So ये स्मार्ट वॉच मुझे अपने बर्थडे पे मिली एंड दिस इज सच ए नाइस वॉच. मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर भी कर देती हूँ इसके फीचर्स, इसे यूज कैसे करते हैं. ऑल्दो दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बट मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मेरा बर्थडे गिफ्ट कैसा था, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये मुझे इतनी पसंद क्यों आई. सो नाउ लेट्स गो. मेरा बर्थडे ऑलरेडी 22 जुलाई को जा चुका है, मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर चुकी है लेकिन आप सबके लिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग फिर से करूँगी. सो नाउ लेट मी शो यू. सो ये है iConnect बाय टाइमेक्स, ये है इसका बॉक्स. अब हम इसे खोलेंगे. इसके 3 वेरिएंट्स आते हैं, डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है. ये यहाँ पे इसकी है एक मैनुअल. ये भी मेरी वॉच, क्योंकि मैं ऑफकोर्स गर्ल हूँ तो इसलिए मैंने इसका वाइट कलर प्रेफर किया है. एंड अब हम इसे बाहर निकालेंगे. सब मैंने अपनी वॉच निकाल लिया है, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है. एंड यहाँ पे मैंने दूसरे हाथ पे अपनी Mi Band 4 पहना हुआ, ये भी मुझे मेरे बर्थडे पे मिली थी. एक्चुअली मुझे वॉचेस का इतना ज्यादा शौक है कि मेरी कलेक्शन है वॉचेस की. अगर आप चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिख देना तो मैं Mi Band 4 का भी डाल दूंगी कि Mi Band 4 को कैसे यूज करते हैं. इसके अंदर वैसे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आती है बट कॉलिंग का फीचर नहीं है जो मेरी इस वाली वॉच पे है. ओके सो ये जो हमारी वॉच है इसका ये वाला हम बटन प्रेस करेंगे फॉर 3 सेकेंड्स तो हमारी वॉच ऑन हो जाएगी. तो ये मेरी वॉच ऑन हो गई. अब आप सब इसे प्लीज़ चार्जिंग पे लगा देना. यहाँ पे इसका सॉकेट है छोटा सा, आप इसे ऐसे पुल करेंगे. सब ये जो हमारा बॉक्स है इसके अंदर इस वॉच का चार्जर होगा. ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पे इसका होगा चार्जर. एंड ये रहा इसका ब्लैक कलर का चार्जर. यहाँ पे हम लोगों को इसका एक वारंटी कार्ड भी मिलता है टाइमेक्स की तरफ से. मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे चार्ज कैसे करेंगे. ये हमने इसका ये जो खोला है पिन, इसके अंदर आप अपना चार्जर फिक्स करेंगे ऐसे. एंड यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन का चार्जर लिया है. हम इसकी वायर निकालेंगे एंड मेन तो अडॉप्टर ही होता है काम का, तो हम अपने अडॉप्टर में से ऐसे फिक्स करेंगे एंड चार्जिंग पे लगा देंगे. सो अब जब मेरी बहुत चार्ज हो जाएगी तब मैं आपको इसके बाकी के फीचर्स बताऊंगी. सो जब तक मेरी वॉच चार्ज हो रही है मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता दूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे Mi Band में व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आती है. तो ऑफकोर्स मुझे कॉलिंग वाली वॉच चाहिए थी. जितनी भी सारी वॉचेज आती है स्मार्ट वॉचेज उनके अंदर कॉलिंग फीचर नहीं होता है. एंड अगर आपको कॉलिंग फीचर चाहिए तो उन वॉचेस की रेंज 14,000 से स्टार्ट होती है. 14,000 इज द स्टार्टिंग रेंज. तो फिर मैंने काफ़ी रिसर्च करी एंड फाइनली मुझे टाइमेक्स की iConnect वॉच मिल गई. एंड इसकी एक्चुअल प्राइस 7,500 बट मुझे डिस्काउंट पता कितने की मिल गई, यानी कैसे 5,500 ओनली. तो जब मुझे 5,500 की मिल रही है तो मैं 14,000 क्यों स्पेंड करूँ. तो इसलिए मैंने अपनी टाइमेक्स की iConnect वॉच खरीदी है. कितनी ज़्यादा सुंदर है. एंड ऑफ कोर्स टाइमेक्स इज सच अ गुड ब्रांड, आपको इसकी अच्छी सर्विस भी मिल जाएगी. सो दैट्स द रीजन व्हाई आई चूज दिस वॉच. अब मैं आप सबको स्मार्ट बैंड एंड स्मार्ट वॉच के कुछ डिफरेंसेस बता देती हूँ. ऑफकोर्स जो हमारी स्मार्ट वॉच होती है उसकी स्क्रीन बड़ी होती है एंड जो हमारा बैंड होता है उसकी स्क्रीन छोटी होती है. लेकिन हमारा जो ये जो स्मार्ट वॉच है इसका मुझे एक फीचर अच्छा नहीं लगा कि हमें इसके अंदर सिर्फ 3 ही वॉलपेपर्स मिलते हैं. वो अपीलिंग नहीं है थोड़े, तो टाइम उसको ये फीचर डालना चाहिए था. लेकिन जो हमारा Mi Band है उसके अंदर हम अपनी फोटो कोई भी तरीके का वॉलपेपर डाल सकते हैं. इट्स टोटली ऑप्शन. आपको और ऐप्स भी मिल जाएंगी प्ले स्टोर पर बट फॉर टाइमेक्स ऐसी ऐप्स नहीं है. इससे हम ऑफकोर्स कॉलिंग कर सकते हैं. इसमें व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आती हैं, इसके अंदर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आती हैं बट नाम नहीं लिखा था कि किसके. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी मॉम ने मुझे कुछ मैसेज किया तो उसमें सिर्फ मैसेज आएगा, ये नहीं पता चलेगा किसने मैसेज किया. तो मुझे एक सेकेंड फीचर्स का अच्छा नहीं लगा. एंड मेजर थे इसकी बैटरी लाइफ 15, 20, 25 डेज तक चलती है. इसकी बैटरी 1-2 दिन में खत्म हो जाती है. बहुत ज़्यादा फीचर्स है तो बैटरी लेगी बट इसकी बैटरी लाइफ थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती थी. तो इसलिए जब आप इसे यूज़ ना करें तो आप इसे प्लीज़ स्विच ऑफ कर दीजिएगा क्योंकि इसे चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है एंड इसकी बैटरी बहुत जल्दी श्रिंक हो जाती है. तो ये 3 उसके फीचर्स मुझे अच्छे नहीं लगते. मेरी होम स्क्रीन दिख रही होगी एंड उसमें मैंने यहाँ पे डाउनलोड की है iConnect बाय टाइमेक्स की ऐप. ये आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी. एंड अब हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एक होम पेज होता है. फिर यहाँ पे जो मी का पेज है इसमें हम जाएंगे डिवाइस सेटिंग्स. यहाँ पे लिखा है नॉट कनेक्टेड, तो आप ओके पे क्लिक करेंगे. एंड फिर आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है तो फिर ये आपके डिवाइस को सर्च करेगा. एंड ये मेरा डिवाइस सर्च कर रहा है. सो अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरी घड़ी का मॉडल लिखा है. एंड आई विल क्लिक ऑन बाइंडिंग. तो फिर क्या है, अब आपकी वॉच के साथ पेयर हो जाएगी एंड इट्स लुक आप पढ़ सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है कनेक्टिंग। तो अब हमारी वॉच फ़ोन के साथ कनेक्ट हो रही है। फिर आपको एक ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट आएगी तो आप उस पर ओके क्लिक कर दीजिए एंड फिर आपकी वॉच हो जाएगी पेयर्ड। फिर आप जितनी भी जो भी आ रहा है आपको स्क्रीन पर आप सब पे अलाउ क्लिक कर दीजिए एंड आवर वॉच विल गेट कनेक्टेड। तो अब आप सब देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पर लिखा आ रहा है आई कनेक्ट एस कनेक्टेड। फिर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आप सब कुछ अपना चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंडिया में मेट्रिक फॉलो होता है तो मेट्रिक, फिर टेम्परेचर के लिए हम लोग सेल्सियस चूज़ करेंगे। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, नेम डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, स्टेप्स, एक्टिविटी, कैलोरीज, सब कुछ। अब मैं आपको टाइमर फीचर्स बताती हूँ। सो ये मेरी टाइमर की बॉर्ड वाइट कलर की, आपको ग्रे, ब्लैक एंड वाइट 3 कलर में अवेलेबल होती है। एंड जैसे कि मैंने बताया हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारी स्क्रीन खुल जाएगी, ठीक है। अब हम इसे अगर 3 सेकेंड जैसे प्रेस करके रखेंगे, एक सेकेंड, ये देखो ये इसके सारे ऐप्स हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे है हमारी पहली चीज़ है फ़ोन बुक। इसके अंदर हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। क्विक स्टार्ट आपको जैसे ए लेटर से ढूंढना है, किसी भी लेटर से। ये है डायलर, आप यहाँ से डायल कीजिए एंड फ़ोन लग जाएगा। आप बात भी कर सकते हैं, इसके अंदर इनबिल्ट माइक है। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे है हमारे कॉल लॉग, यहाँ पे हमारे मैसेजेस आएंगे जो फ़ोन पे नॉर्मल नोटिफिकेशन साइड मैसेजेस आते हैं। ये नोटिफायर है, ब्लूटूथ है, पेडोमीटर जिससे हमारे स्टेप्स पता चलेंगे। फिर स्लीप मॉनिटर, यहाँ पे हमारा हार्ट रेट है, सेडेंट्री है, जिससे पता चल जाता है कि आपको कितनी देर बैठना है, कितनी देर फिर आपको एक्सरसाइज करनी होती है। ये बार बार वापस चला जाता है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है ये देख के। फिर यहाँ पे है हमारा एंटी लॉस, उसमें क्या है जैसे कि अगर आपका फ़ोन गुम गया तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वापस आप आ सकते हैं। फिर यहाँ पे अलार्म है, कैलेंडर, म्यूज़िक। इसमें क्या आपके फ़ोन पे अगर फॉर एग्जांपल एक म्यूज़िक बज रहा है, ठीक है, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि म्यूज़िक की वॉल्यूम तेज़ करनी है, धीरे करनी है, लेकिन ऑफकोर्स घड़ी में म्यूज़िक नहीं बजता। फिर इसके अंदर कैमरा है, कैमरा भी क्या है अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे फ़ोन का कैमरा खुलेगा, इसमें कोई कैमरा नहीं होता। देन यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स के फीचर्स हैं, देन स्टॉप वॉच एंड कैलकुलेटर एंड इसकी सेटिंग्स में आप बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं। क्लॉक है, वॉल्यूम है, आप सबको चेंज कर सकते हैं। तो ये थे टाइमैक्स के बेसिक फीचर्स एंड मैं आपको दिखाती हूँ इसका वॉलपेपर कैसे बदलना है। इस पर आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पर ये फर्स्ट वॉलपेपर है जो भी मैंने लगाया, ये वाला है इसका सेकेंड वॉलपेपर जो मुझे कुछ खास नहीं लगा एंड टाइमैक्स से ये वाला वॉलपेपर लग के आता है। तो अगर मुझे लगाना है तो इसमें मैं ओके पे क्लिक करूँगी एंड ये वाला मेरा वॉलपेपर लग गया। So all these were the features of Timex iConnect. I hope you like this video. अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने Mi Band 4 का भी एक ऐसा ही tutorial बनाऊँ कि how to use Mi Band 4, तो please comment section में लिख दीजिएगा। Suggestions वगैरह सब कुछ comment section में लिख सकते हैं। जो मन करे मैं किस topic पे video बनाऊँ, so don't forget to write your precious suggestions in the comment section. Do forget to give this video a thumbs up, subscribe to my channel, do press the bell icon just beside it. मेरा Instagram अकाउंट है सुपर सांवी, उसे भी प्लीज फॉलो कर देना क्योंकि इसमें अपनी सारी आर्ट अपडेट सब कुछ डालती रहती हूँ। So till then stay home, stay safe, keep watching Super Sanvi.